फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बेबी ड्रेस बनानी बताएंगे। तो देखिए, जो इसकी लेंथ है, ये हमारे पास डबल फोल्ड है इस, ये देखिए, और इसकी लेंथ हमने 11 इंच की ली हुई है। इसकी चौड़ाई है वो हमने 14 इंच की ली हुई है। अब हम इसको फोर फोल्ड में करेंगे इस तरीके से। अब देखिए, 2 इंच का निशान हम एक यहाँ लगाएंगे और यहाँ से उसके बाद हम ये 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो देखिए, 2 इंच का निशान एक हमने यहाँ तक लगाया और उसके बाद यहाँ से हमने 1.5 इंच का निशान यहाँ लगाया और उसके बाद 2 इंच का निशान हम इस तरीके से लगाएंगे। ये अब 2 इंच का हमने निशान ये इस तरीके से लगाया और यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 6 इंच पर। ये इस तरह से हम 6 पर लगाएंगे और यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे 5.5 पर और सीधा इस निशान को हम इसके साथ मिला देंगे। और यहाँ पर सीधा इस तरह से लेंगे और एक लाइन इस तरह से करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से कट का निशान एक लगाएंगे और यहाँ हम कटिंग करेंगे सीधी और थोड़ी सी कटिंग हम यहाँ तक। और ये एक साइड हमारी बंद है, इसको हम खोल देंगे, थोड़ी बंद रह गई है तो इसको हम इस तरह से खोल देंगे। ये कुछ इस तरह से होगा, ये देखिए। अब देखिए, सबसे पहले इस तरह से करके हम, तो सबसे पहले हम दोनों तरफ दोनों ही पीस में इस तरह से ये पट्टी लगाएंगे। अब देखिए, उल्टी साइड से हम इसको इस तरह डबल करके इस तरीके से और यहाँ पर लगाएंगे और ये क्रॉस स्ट्रिप है और एक हमें सीधी पट्टी चाहिए। अब देखिए, ये हमने क्रॉस स्ट्रिप ली हुई है, ये क्रॉस करके कटी हुई है और ये हमने सीधी ली हुई है। अब देखिए, इसको हम इस तरह से डबल करेंगे और उल्टी साइड से हम इसको यहाँ से लगाएंगे। और सिर्फ यहाँ तक हमें इसको लगाना है। एक्स्ट्रा पट्टी हम काट देंगे और इसको हम दूसरी साइड लगाएंगे, इस साइड डबल करेंगे और फिर इसको इस साइड लगाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को हम काट देंगे। अब देखिए, जो हमने ये लगाई है, इसको हम छोटे छोटे इस तरह से कट लगाएंगे और सीधी तरफ इस तरह से करके हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम इसमें भी कट लगाएंगे और सिलाई लगाएंगे। अब जैसे हमने इधर फोल्ड की है, इसको भी सीधी तरफ इस तरह फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगाएंगे। जो सिलाई का कपड़ा है उसको अंदर करना है। अब देखिए, दोनों तरफ हमने लगा ली है। अब इसी तरह जो पीछे का पीस है उसमें भी हम इसी तरह से ये क्रॉस स्ट्रिप लगाएंगे। अब देखिए, दोनों ही पीस पर हमने इस तरह ये स्ट्रिप लगा ली है और अब इस पे हमें यहाँ पर लगानी है सीधे ऊपर की तरफ, तो उल्टी साइड से इसको भी हमें लगाना है। तो इस तरह से ये सीधी है और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इस साइड से भी हम थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा कटिंग करके फोल्ड करेंगे इस तरीके से। Thank you.
इसमें हमें कट लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये सीधी कटिंग है। अब थोड़ा थोड़ा इस तरह फोल्ड करके हम इसको सीधी सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। सिलाई का कपड़ा अंदर करेंगे। और जो हमने इधर फोल्ड किया था पूरा फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हमें इसके ऊपर लगानी है। अब देखिए इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड करके और उल्टी तरफ से इसको यहाँ से लगाएंगे। अब इस साइड से भी इसको जितना हमें इतनी आवश्यकता है इतना करके और बाकी कपड़े को फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। अब सीधी तरफ फोल्ड करेंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरह करेंगे और फिर बाकी हम इस तरह से सीधी तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। कपड़ा सिलाई का अंदर करते हुए तो देखिए दोनों ही आगे पीछे के पीस पर हमने इस तरह से ये स्ट्रिप लगा ली है। तो ये साइड में हमने क्रॉस स्ट्रिप लगाई और ये हमने सीधी लगाई। ये देखिए, अब देखिए हमने कट लगाया था तो वो हमारा इस स्ट्रिप के अंदर से लगाया है। तो हम इस तरह सेंटर से इस साइड बंद है और ये खुली साइड है, तो दो दो इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से, और इसी तरह हम इस साइड भी लगाएंगे और इसी तरह में इस पे फोल्ड करके। तो देखिए दो दो इंच का हमने ये पूरा चार इंच का निशान हुआ। अब देखिए दो स्ट्रिप हमने ली हुई है और ये देखिए सात इंच इसकी लंबाई है और दो इंच हमने ये चौड़ी ली हुई है। अब इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो एक तरफ से हम इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमें सीधी करनी होती है इसको, तो किनारे पर सिलाई लगाएंगे और फिर उसके बाद इसी तरह इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से हल्की सी नीचे की तरफ और फिर ऊपर तक सीधी सिलाई। और देखिए सिलाई हम लगा चुके हैं और एक साइड से हमने इसको दोनों को बंद किया है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा इस तरह से खोलेंगे इसको और पेचकस की सहायता से हम इसको सीधा करेंगे। ये और इसके कोने हम साथ के साथ इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए इसी तरह दूसरी भी हम सीधी करेंगे। ये देखिए, अब देखिए जो निशान हमने ये सीधी तरफ लगाए हैं तो जो ये स्ट्रिप हम इनको इस तरह से यहाँ पर आधा आधा इंच लेते हुए और यहाँ पर इनको अच्छे से पांच छह सिलाई लगाएंगे इस तरह से करते हुए। इसी तरह दूसरी तरफ लगाएंगे यहाँ पर इसको, सिलाई हम साइड में करेंगे।
तो देखिए इस साइड हमने इसको लगा लिया है और इस साइड भी हमने ये बीच से सेंटर से दो दो इंच का निशान लगाया था, 4 इंच पर हमारे निशान है, तो इसको इस तरह से हम रखेंगे, दोनों पट्टी इस तरह से आधा आधा इंच का अंदर की तरफ रखते हुए आधा आधा इंच। और ये देखिए दोनों तरफ हमने लगाकर इसको तैयार कर लिया है। अब देखिए एक स्ट्रिप हमें ये चाहिए और ये हमने 3 इंच, देखिए 3 इंच इसकी चौड़ाई है और जो ये लंबी है ये देखिए, और ये 45 इंच की है। देखिए सबसे पहले हम इसको इस तरीके से नीचे की तरफ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। देखिए हम इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं और आधी आधी कर लेते हैं। अब हमने ये दो कर ली है, अब सबसे पहले एक लेंगे और इधर से, तो दोनों में हमें फ्रिल डालनी है। तो ये देखिए इस तरह सीधी, ये सीधी साइड है और ये भी हमारी सीधी साइड है। थोड़ा सा हम इसको सिंपल सिलाई लगाएंगे, तो 1 इंच के करीब हम इसको ऐसे लगाएंगे और उसके बाद हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। देखिए इस तरह से, अब देखिए इस तरह हम सीधी करेंगे और एक दबी हुई स्लाइस के ऊपर लगाएंगे हम इस तरह से। और ये देखिए इस तरह से हमें ये फ्रिल लगानी है, इसी तरह हमें इधर भी लगानी है और दोनों तरफ फ्रिल लगाकर हमें दबी हुई सिलाई लगानी है। ये देखिए अब दोनों को मिलाकर सिलाई लगाएंगे। तरफ भी हमें इसी तरह सिलाई लगानी है मिलाते हुए। और देखिए टॉप हमने ये ऊपर बेबी टॉप बना लिया है। अब इस